वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मॉर्निंग शो में आप छोटे छोटे थोड़े थोड़े सेगमेंट्स देखते हैं जिसमें आपको अवेयरनेस भी होती है, जिसमें एजुकेशन भी है, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स भी हैं, स्किल्स के ऊपर बात होती है, फिर हमारे मुल्क में जो भी कुछ डिजास्टर होता है उसके बारे में बात होती है। तो हम रहते हैं एक्टिव क्योंकि हम हैं विनर्स एचडी टीवी चैनल के ऊपर और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी। एक्टिव मॉर्निंग शो है बिल्कुल मेरी तरह एनर्जेटिक। लेट्स सी, यहाँ पर एनर्जेटिक स्किल्स हमारी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स मौजूद हैं जो हर फील्ड में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। चाहे आप हुनरमंद इनको देखें, चाहे वो प्लेन उड़ाते हुए देखें, फोर्सेस में देखें, हेल्थ में देखें, डॉक्टर्स, बहुत सारी फील्ड्स में पाकिस्तानी वुमेन्स ने अपना नाम रोशन किया है। और ऑफकोर्स हम बाहर मुल्क में जाते हैं तो हम ख़वातीन को बाइक चलाते देखते हैं तो हमें हम कहते हैं इट्स ओके, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बाइक चलाता हो तो पलट के ज़रूर देखते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और एक बार तो मैं एक लेडी के साथ लिफ्ट ली मैंने उससे, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैं रोड पर थी शराय फैसल पर, और बड़ी बात है कि उस बच्ची ने मुझे जो है, पहले तो मैंने दोनों लड़कियों को देखा, उसने एक लड़की को उस पर से उतारा, तो मैं बाइक अपनी गाड़ी के पास बेहियारों मददगार खड़ी थी, तो मैंने कहा मुझे कम अज़ कम पेट्रोल पंप तक आप छोड़ दें, तो उन्होंने मुझसे ज़रा बात की तो फिर मैंने भी कर ली, तो कह रही आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, ये मोहब्बत में देखी, मैंने कहा हाँ बस ये कि इस वक्त मुझे थोड़ा है ना पेट्रोल पंप तक छोड़ दें, तो उन्होंने मुझे वहाँ लिफ्ट दी और मैं उनके साथ बैठी, लेकिन मैं लड़कों की तरह बैठी, लड़कियों की तरह बैठी थी वो लड़कों की तरह, मुझे बहुत मज़ा आया पहली बार और मैं ज़रा सा डर भी रही थी, लेकिन बड़ी अच्छी उन्होंने बाइक चलाई। तो ये ख़वातीन जो हैं वो बाइक चला सकती हैं, मैं तो चाहती हूँ बहुत ईजीएस्ट है जो बसों में धक्के लग रहे हैं, खुदा की कसम जो भाई हैं, जो हस्बैंड है वो हमेशा इनसिक्योर महसूस करते हैं कॉलेज भेजते हुए, अपनी स्कूटी निकाली चल मेरे भाई, वाह वाह क्या बात है, आसान आसान तरीका। मैं तो कह रही हूँ पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में सबके पास होनी चाहिए स्कूटीज, एंड देन चाइना में देखें कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने तय काम करती हैं। तो अब देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, और हो सकता है एक वक्त हो सबके पास स्कूटी हो, मैं भी सोच रही हूँ सीख लूँ, गाड़ी भी चलाऊँ साथ में स्कूटी भी, कराची की ट्रैफिक जो है ना वो कह रही है स्कूटी ले लो। लेट्स सी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, बाइकर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं ज़ैनब सफदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बाइकर का सोच के हमारे जहन में तो बड़ा ही एक डिफरेंट गेटअप होता है, लेकिन वाह वाह क्या बात, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और बहन है उससे इंट्रोडक्शन करें फिर गुफ्तगू करते हैं, मजे मजे की बातें। अच्छा जी, एक और भी मेरी प्यारी बहन यहाँ पर मौजूद हैं और ये इंस्ट्रक्टर हैं, और मैंने इसी वक्त फैसला किया कि मुझे भी प्लीज़ सिखाएं, तो उन्होंने ये मुझसे भी ज़रा उतावली करी, हाँ मैंने ये एक्टिव ये कहूँगी, करेंगे कब आ रही हो, मैंने कहा लो भैया क्या बात है, इंस्ट्रक्टर हैं, बाइकर हैं और बाइक सिखाती हैं, यहाँ पर मौजूद हैं मरीना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो मेरी बहन? बल्तिस्तान से? मैं बल्तिस्तान नहीं, पीछे से मैं बठानू। मैंने कहा बल्ती बल्ती सी लग रही है। अच्छा जी, दोनों बहनें मेरी यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात करेंगे, और मेरी प्यारी बहन जो है ना मरीना खान की जो है, आप देखें आगे सर्टिफिकेट्स पढ़ें, कैमरा अगर फोकस करें, और मेरे पास भी सर्टिफिकेट मौजूद हैं, और मोहसिन भाई देखेंगे कैमरे को, यस मेरी बहन को कुछ जो इनको रिवॉर्ड दिए गए हैं, और मेरे पास बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, वन एंड टू में अगर अभी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में अगर मैं अभी काउंट 8-10 मेरे ख्याल में से ज़्यादा ही हैं, घर में भी हैं अभी, घर भी, और मेरी इन बहन को भी मिले दोनों को। अच्छा जी, ये इन्होंने दिखाए हैं, और स्टे और टेबल के ऊपर जो है एक ट्रॉफी भी मौजूद है, और अच्छा उल्टा हो गया सॉरी, यस ये हो गया, तो मैंने असल में आगे, ओके जी ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये देखें जी, बहुत सारे, चले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और ये आप लोग खुद ही यहाँ पर देखते रहें। अच्छा जी, माशाल्लाह हेलमेट भी पड़ा है जी, हेलमेट हाँ वो देख रही हूँ मैं, हेलमेट भी नाजिन ये मेरी प्यारी बहन पहन के, सेफ साइड अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जितना ज़्यादा ये कम्फर्टेबल है इतना रिस्की भी है, अच्छा हमें हमें अपने अपनी सेफ्टी ज़रूरी है यार। कभी किसी ऐसे बाइक चलाते हुए कभी शुरू में जो इनिशियली कैसे हुआ कि यार मैं वाह वाह चाबी भी पड़ी, ये भी बड़ी है क्या बात है, मेरे पास गाड़ी की इनके पास बाइक की। चले लेट्स सी, ये बताइए कि कैसे आपको क्योंकि एक दो पहियों की गाड़ी को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आपको कैसे सोचा ही और किस तरह परमिशन मिली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परमिशन। हाँ ये बात सही है
लेकिन ये कि बचपन में साइकिल चलाई थी। अच्छा, जिसने साइकिल चलाई है वो सिर्फ दो पहले पे आराम से बैलेंस कर सकता है। अच्छा, हाँ, जिनको साइकिल की आदत होती है साइकिल चलाई है, जैसे लड़कियों ने साइकिल चलाई होती है तो वो इजीली, हाँ, वो इजीली आप जो है बैलेंस कर लेती हैं। ओके, और उसके बाद हमें घर से बहुत सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड बहुत लविंग है, केयरिंग है, तो वो हाँ उन्होंने खुद ही सामने से कहा कि आप स्कूटी परचेज करें, स्कूटी लें, ऑटोमेटिक लें, क्यों अपनी वो क्लच के लिए आप ख्वारी कर रहे हैं, तो उन्होंने दिलाई मुझे। और उसके बाद जो है मैंने अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मैंने राउडी राइडर्स ज्वाइन किया। ओके, उनके साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा, मनिया सैयद जो थी उनके साथ हमने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। अब वो चली गई है कनाडा, यहाँ से मूव कर गई हैं, लेकिन उनका इंस्टीट्यूट अभी भी रवा दवा है। तो उसके साथ ये कि अब हमने वहाँ से क्लब से क्या एसोसिएट होके उसके बाद कोलैबोरेशन किया। जी बिल्कुल, उसके बाद जो है हमने अब ऐसा है कि हम खुद सिखाती हैं। हाय हाय हाय, क्या हमारे पास, मेरे पास माशाल्लाह से 5 स्टूडेंट है इस वक्त। अच्छा, जिनको मैं खुद बाइक सिखाती हूँ। यानी कि लोग ज्यादा नहीं लेकिन आते हैं। आते हैं अब, आप बहुत ज्यादा है, अब तो हर इलाके में है कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियों को देखा है, उससे जबरदस्त काम लगाई और ये अब बहुत इजी है, रिलैक्स होके बिल्कुल। अब पहले तो ना हैरेसमेंट होती थी और लोग जो है आप हूटिंग करते थे, अब नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे है जो हमें चालाक चलते हैं, थम्सअप करते हैं। मैं भी करती हूँ लिटरली, हमें बहुत अच्छा लगता है कि थम्सअप करते हैं हमें। हमें कोई यानी ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल पाई पेश आती है कहीं। अभी अभी जैसे मैं आई तो मुझे रास्ता नहीं पता था, मैं शारा फैसल पे दो पुलिस वाले खड़े हुए थे, मैंने उनके पास जाके बाइक रोकी, वहीं से कॉल की, इनको कॉल की, उन्होंने बताया लोकेशन मुझे थोड़ी बहुत, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल से लोकेशन ऑन करके मुझे डायरेक्शन बताया कि आप यहाँ से यूँ जाएंगी तो ये आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। ओके, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह आपने खुद ही बताया कि लोग पहले जो है वो अलग से, अच्छा अभी भी देखते हैं ना बड़ी अजीब सी नजरों से? नहीं नहीं नहीं, पहले वो बहुत ही जैसे ना देखें, अब एप्रिसिएशन नजर है, एप्रिसिएशन ज्यादा होती है, अब हौसले बढ़ा। हाँ हाँ, वाकई ऐसा है कि अब बहुत सारी लड़की चला रही है, अब तो बहुत सारी, किसी ने तो पहला कदम उठाना था ना। अब बिल्कुल इनिशिएटिव जिसने लिया है बहुत अच्छा लिया, मरिया सैयद ने इनिशिएटिव लिया ये, और उनको बहुत ज्यादा सराहा गया। और अब ये है कि ये जरूरत बन गई है, मुझे तो लगता है जरूरत बन गई है ये। ओके, जरूरत बिल्कुल। अब मरीना के पास चलते हैं, मरीना के पास भी बहुत सारे, क्योंकि शी इज़ अ इंस्ट्रक्टर, और मरीना खान जो है वो माशाल्लाह काफ़ी, इन्होंने रिवॉर्ड्स सर्टिफिकेट मेरी दूसरी बहन ने भी लिए और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा लिए, तो इनका भी पूछते हैं। जी मरीना जी, पहले मैं, मेरी हॉबी थी, मेरा शौक था। अच्छा, मैंने अब तो ये हो गया कि हम जरूरत है, अब इतनी जरूरत है, कल की बात है कि बारिश हो रही थी, जरूरत इजाद की माँ है वो कह सकते हैं। बिजली का बिल मैंने रखा था, मेरे पड़ोसी बच्चे से कहा कि आप बढ़ने, वो बहाने कर रहा है अभी जा रहा हूँ तभी जा रहा हूँ, फिर मुझे आया गुस्सा। अच्छा, मैं खुद स्टार्ट की, जमा करके 5 मिनट लगे हुए, मतलब इजी पैसे होता है, लेकिन जो बिल कम हो रहा है आजकल, जैसे फील एडजस्टमेंट आ रही है उसको कम करने के बाद करना, मतलब मैं ईजी पैसे से करती हूँ, तो बाहर मुझे बहुत सहूलत है। बाइक से सब्जी लेने जा रहे हो, सौदा लेने जा रहे हो? मतलब सब्जी लेने बार बार तो नहीं निकलती, हाँ सौदा पूरा लेके आती हूँ घर के काम से, और ऑटो का रेंट बच गया ना किराया, और फिर ऑटो जैसे उबर करें या ड्राइविंग या कुछ करें वो आते नखरे करते हैं, ये निकली और बस खुद कर लिया, मुझे तो पहुँचना वो डेस्टिनेशन पे, डायरेक्ट डेस्टिनेशन में पहुँचे हम लोग, पहुँचो आराम है। अब 12 बजे 1 बजे लोगों को देखे, अपनी वालदा को डॉक्टर के लेके जा रही है बच्चियाँ, और अपने वालिद साहब को लेके जा रही है, कितनी हेल्पिंग हैंड हो गई है। अपनी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो मैं अपने हस्बैंड को पीछे बिठाती हूँ, चले मेरे साथ हस्बैंड वो पीछे बैठ के चलते हैं। नहीं बहुत अच्छी चीज़ है। अब 4-व्हीलर ये है कि जैसे अभी हम लोग आए रश था, 2-व्हीलर से कहीं से भी निकल जाओ, लेकिन एक उसमें ये नहीं आप गलत चला रहे हैं या बस के आगे से निकल रहे हैं, कुछ इस तरह नहीं, लोगों को फॉलो करते हुए बहुत अच्छी सवारी है। ओके, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे जब 4-व्हील थी हुई तब भी मुझे 2-व्हील अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, सिखाने में क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ये बताएं? पहले मैं साइकिल को करती हूँ, इससे कि साइकिल में इंजन नहीं होती। अच्छा, पैंडल चलाते हैं तो आगे बढ़ती है साइकिल। ओके, अगर हम स्कूटी या बाइक देंगे तो वो चला तो लेंगी, चला सकती है, लेकिन फिर वो रेस पे होता है सब आगे भागती है, तो ये होता है अगर कुछ मसला होता है तो वो रुक जाएगी साइकिल। अच्छा, एक और चीज सवाल है कि जैसे एक स्कूटी जो होती है वो बैलेंस की जा सकती है, ठीक है, उसमें एक सिस्टम अलग से होता है ना। अच्छा, उसमें जैसे हाइट प्रॉब्लम भी होता है ना, जैसे बंदे, क्योंकि नहीं, स्कूटी जैसे ही और उसमें क्या फर्क है दोनों में? 125 सीधी बात है कि लड़कों के लिए, अब जैसे बोली ऊंचाई ये नॉर्मल बाइक, ये स्कूटी में क्या फर्क है? 70 उसमें फर्क है
कि आप स्कूटी का शेप देखेंगे तो अलग है, शेप में फर्क है, और बाकी वरना 70cc ये भी है, 70cc लेकिन बैठने में फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है, आगे स्पेस है ना, तो लड़की पांव घुमा के भी, जैसे मैंने अपने अबाया के साथ में बैठ सकती हूँ, अबाया या कुछ लड़कियां होती हैं जैसे स्कूल कॉलेज जाने आसान होती है उनके लिए, स्कूटी आसान होती है, स्कूटी आसान बैठने के से, अच्छा ठीक है। अच्छा यूँ होता है ना जैसे बाइक, जैसे हम मैंने देखा कि मैं ऑफकोर्स कभी बैठती हूँ तो वो जो भी जेंट्स होता है वो जब ब्रेक लगती है तो ऑफकोर्स वो पाँव के थ्रू खड़ी तो स्कूटी में भी करना पड़ता आपको, अच्छा ठीक है, तो स्कूटी में सब सिस्टम वही है, अच्छा लेकिन स्कूटी जो है ना जैसे कलर पिंक है लड़कियों के लिए, ब्लू लड़कों के लिए, ऐसी स्कूटी है उसमें फर्क है, अच्छा बाइक में स्कूटी लड़कियों के हिसाब से बनी है। आप किसको प्रेफर करती हैं, कौन सी वाली बाइक लड़कियों को चलानी चाहिए? स्कूटी अच्छी है, अच्छा वो कंफर्टेबल है खवातीन के लिए, कंफर्टेबल भी है और दूसरी बात ये स्कूटी में क्लचलेस होता है, अच्छा बार बार दबाने पड़ता है के क्लच मारो, उसकी स्कूटी सब कुछ होता है, अच्छा रेस में होता है, तो मैं ही समझती हूँ कि लड़कियों को स्कूटी ही चलानी चाहिए। अच्छा एक और चीज़ है कि जिस तरह अभी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक भी आ गई हैं और पहले ये होता था क्लच वगैरह, अभी भी है वो, तो उसमें क्या सिस्टम में भी यूँ चेंज होता है या मतलब सेम है लेकिन वही नहीं, नहीं। वही होता है उसमें, ये है कि मैंने बताया ना आपको कि आम स्कूटर जो होती है जो लड़के चलाते हैं, मुझे पता होता मैं यहाँ स्कूटी यहाँ रखती हूँ फिर मैं इनसे पूछ रही होती ये बताएं ऐसा कर लें, गलती हो गई ना, एक स्कूटी यहाँ पर लेकर आनी थी ना, ये तो गलत बात है ना, जैनब और क्या नाम है मरीना यहाँ पर स्कूटी रखी हुई होती नहीं, और फिर हम गाइड कर बता रही हूँ कि क्लच लेस होती है, रेस में दस आश्रम मतलब रेस कम करी आपने क्लच मार तो आगे बढ़ेगी हूँ, और वो उसमें वो क्लच लेस है मतलब ये उसमें जो ना क्लच पकड़ना पड़ता है, क्लच छोड़ेंगे रेस देते जाएंगे तो ये आगे बढ़ेगी आम स्कूटर, और उसमें ये है कि क्लच लेस है तो सब चीज़ें उसमें होती है, इसमें भी दो तरह की आई, मैनुअल आ रही है एक ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक भी है लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं है, उसकी वजह यह है कि चार्जेबल भी है पेट्रोल भी है, लेकिन मैं समझती हूँ स्कूटी बेहतर है जो मैनुअल है। वैसे एक चीज़ मैं नोट कर रही थी, मैंने कहा यार देखो अभी इन्होंने इनिशियली माशाल्लाह खवातीन चाहे अभी इन्होंने 5 स्टूडेंट कह रही हैं या इनके पास कुछ स्टूडेंट्स पास आउट हो गई हैं, चले अभी 5% फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन यकीन करें बहुत ज़रूरत है, हम पता नहीं क्यों हेजिटेट होते रहते हैं, एज़ कम्पेयर टू बाहर मूव जाते हैं तो सब कुछ हमारे अलाउ होता है, जीन्स भी पहनना अलाउ हो जाता है, वहाँ सब कुछ हम फ्री हैंड देते हैं, जबकि वहाँ पर अननोन लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते, और अपने मुल्क की बात करें तो फॉरेन इसमें रिलीजन डाल देते हैं या रिस्ट्रक्शन, फैमिली रिस्ट्रक्शन डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाम मखाई में ले आते हैं, अरे आप अपने घर के खुद मालिक हैं, आप अपने घर को खुद खिलाते पिलाते हैं, तो दूसरों की नज़र को देख के क्यों अपने रुख चेंज कर देते हैं, हवाओं के रुख ऐसे हों कि आपको देख के लोग बदलें, आप लोगों को देख के क्यों रास्ता बदलें, आप अपने बच्चों को सेव करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें, और ख़ास तौर पे उन धक्कों से बचाएं, आप उनकी तकलीफ़ नहीं नोट करते, अब जाए ना जो बंस रोड पे 2D में बैठ रही हैं, कोई बसों के धक्के बच्चियां खा रही हैं, कोई मर्द उनको किस तरह घूर घूर के देख रहे हैं, कोई अब मैं क्या बोलूँ लाइव शो में टच करते हैं गुजरते हुए, धक्का दे देते हैं बिला वजह, झटके देते हैं, सीट्स नहीं देते उनको, खवातीन लटक लटक के जा रही होती हैं, कहीं बस रोकते हैं कहीं नहीं रोकते, आप लोग अगर अपनी बेटियों को अपने बेटों जैसा सपोर्ट दें तो कोई मज़ायका नहीं है, उनको यकीन करें, आप उन पर ट्रस्ट करेंगे तो वो आपके कभी भी एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, जब उसको हर चीज़ घर से मोहब्बत मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, और मैंने ऐसी बच्चियों को बनते देखा और अपने माँ बाप को सपोर्ट करते देखा, एज़ कम्पेयर टू जो हर चीज़ से महरूम होती है तो उसको वो दूसरे रास्ते जो है वो कभी किसी दोस्त की गाड़ी में चली गई। मैं ये बोलूँ ये है कि किसी के साथ बैठने से अच्छा है कि खुद चलाए, कोई बैठ रहा है किसी के साथ वो अच्छी बात नहीं है, मतलब मजबूर तो बैठ जाते हैं लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि बाप भाई या मियाँ हो बिल्कुल अंकल हो। अब आप देखें छोटी सी ये कई जाती हैं लड़कियाँ तो आप देखें कहीं बस मिलती है कहीं नहीं मिलती, चिंची देखें कैसे सवारी, उससे अच्छा है कि अपनी बाइक हो स्कूटी हो उस पर जाए और टाइम की बचत है, खड़ी बेचारी बच्चियाँ इंतजार करनी है बस की चिंची की, उससे बेहतर कि घर से साफ कर खुद मुख्तार हो जाए, हम तो यही चाहते हैं कि हर लड़की खुद मुख्तार हो जाए, इनके मेरी रोटी हो मैं रोटी नहीं पकाऊंगी ऐसी नहीं, खुद मुख्तारी का मकसद ये कि और सारा बनती है बाप भाई का तो ये सारे बने बिल्कुल, और जिनकी 4 बेटियाँ हैं उनके एक वालिद कैसे पहुँचाएंगे एक बाइक में,
अच्छा एक और चीज़ मैंने देखा, कुछ खवातीन हैं जाहिर सी बात है, मैंने उनको स्कूल, जब हस्बैंड जॉब पे चले गए, अब वो बस एक एक वैन लगाना, अब चार बच्चे आपके यहाँ वैन लगाएंगी, वो चार बच्चों की फीस पे करनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता वो 3,000 एक बच्चे का ले रहे हैं तो आप एवरेज लगाएं, कम से कम 3,000 मैंने एक एवरेज बताया, 3 कम से कम, अभी पता नहीं आगे कितना है, 3,000 पर बच्चा, तो 3 × 12 यानी कि 12,000 रुपए आप उसको दे रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू वो माँ जो माशाल्लाह कितनी बच्चों जिनके स्कूल ज़रा करीब होते, तो कितनी माएँ तो अपने बच्चों को छोटे छोटे छोड़ने जाती हैं, तो वो जो बस का रेंट है एज कम्पेयर टू अपने बच्चों को खुद बाइक पर बिठाएं। अब वाले साहब नहीं होते, कभी कभी जॉब पे ही वो होते हैं, नहीं जा छोड़ सकते, तो माएँ बहुत सपोर्ट कर सकती हैं और घर की बहुत सारी कर रही हैं। आप अपने हस्बैंड का बाजू बन जाएंगी, समझ बिल्कुल बिल्कुल हमारे तो मर्दों से कोई मुकाबला नहीं। अक्सर आपने देखा कोई कि बेटियां बाप का सहारा बनती हैं, जॉब करके या कुछ भी करके, तो ये भी एक तरह का सहारा है। अब मैं अपने घर के काम खुद कर रहा हूँ, पहले वो रिक्शा आएगा मैं जाऊंगी टाइम, अब ये है कि रिक्शे का रेंट इतना है, अब यकीन करो आप ऐसे ही पूछ लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ऐसे बिल्कुल नॉर्मल जो आपने कहीं जाना है ना उसने 300 रुपए तो 100% मांगे। हम लोग इस चीज को जरा सा ये सेगमेंट को यहाँ खत्म करें, और मेरी प्यारी बहन आप जैनब यहाँ पर जो आपका कैमरा है, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज दे दे, छोटा सा फटाफट से। मेरा ये मैसेज है कि हम खुद मुख्तार हो जाएं, मैं चाहती हूँ कि ख्वातीन खुद मुख्तार हो जाए, बाख्तियार हो जाएं, और हमारी ये सस्ती सवारी खुद मुख्तारी का उसूल है हमारा जो है। क्या बात है, क्या जबरदस्त, तो उसी अपनी सस्ती सवारी और बोलो खुद मुख्तार। ग्रेट ग्रेट, मेरी प्यारी बहन ने स्माइलिंग फेस दिया, आप मेरी प्यारी बहन के कैमरा में यही कहना है कि मतलब जो लड़कियाँ डरी हैं, डरे नहीं बिल्कुल भी, और जैसे यूनिवर्सिटी है इन्होंने बोला कि माएँ हैं स्कूल छोड़ सकती हैं, ये बहुत आसानी हो जाएगी, पैसों की बचत है, वक्त की बचत है, और जैसे जैनब ने कहा कि सस्ती सवारी खुद मुख्तारी, तो इस पर मैं एग्री हूँ, बहुत सस्ती सवारी खुद मुख्तारी जबरदस्त, और सबसे अच्छी बात है पैसे की बचत और सेफ साइड लड़कियों का खास तौर पे। तो ये जो है ना आप लोगों ने भी इनिशिएटिव लेना है, अपने घर से इब्तिदा करनी है। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।